न्यायालय के आदेश पर पुलिस द्वारा एक बार फिर से हेलमेट जागरूकता मुहिम शुरू कर दी गई है। इस कड़ी में ग्वालियर पुलिस भी लोगों को जागरूक कर रही है। इस बार समझाइश के साथ चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। प्रदेश में 15 दिन हेलमेट लगाओ अभियान की शुरुआत का ये अभियान 20 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें हेलमेट नहीं पहनने वाले दोपहिया वाहन चालकों के खिलाफ विशेष कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। पुलबाग चौराहे पर भी हेलमेट जागरूकता मुहिम के तहत ट्रैफिक पुलिस द्वारा हेलमेट न पहनने वाले वाहन चालकों को समझाइश के साथ चालान काटे। इस दौरान पुलबाग चौराहे पर कुछ पुलिसकर्मी भी बिना हेलमेट के दिखाई दिए, तो चेकिंग अभियान में लगे दस्ते ने उन्हें भी रोककर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज एडिशनल SP मरगाफी डे का भी यहाँ मौजूद रहे। यहाँ सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और यहाँ पे काफी ट्रैफिक का भी उल्लंघन होता है, लोग हेलमेट पहनने की आदत कम है यहाँ पे, तो अभी हम जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेके मेजर जहाँ भी ट्रैफिक सिग्नल है वहाँ पे हम रोक रहे हैं, ताकि वहाँ पे एक्सीडेंट भी ना हो और लोगों को पता भी चले कि यहाँ पे अभी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी चल रही है। हाँ, सबका कटेगा जैसे कि मैंने कहा है, ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है।